हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज का मेरा ये जो वीडियो है ये पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। पंचवर्षीय योजना बड़ा ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि यहां पर हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये और बात है कि पंचवर्षीय योजना और योजना आयोग आज की तारीख में समाप्त कर दी गई है और योजना आयोग का स्थान 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग ने ले लिया है। लेकिन बावजूद इसके पंचवर्षीय योजना से सवाल लगातार पूछे जाते रहे हैं। आपके सीजीएल के सिलेबस में भी इसको मेंशन किया हुआ है कि पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो कम से कम दो प्रश्न का हम लोग यहाँ से निश्चित तौर पर उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। नीति आयोग से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, भले ही आपके सिलेबस में मेंशन ना हो, उस पर भी हम लोग चर्चा थोड़ा सा कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन भी हम लोग तैयार कर लेंगे। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग ये देखें कि पंचवर्षीय योजना से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं वो किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले योजना क्या होता है, तो योजना को अगर हम लोग डिफाइन करने जाएं तो सामान्य शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि उपलब्ध सभी संसाधनों का, अभी जो संसाधन है ये दो रूप में सामने आ सकते हैं, एक तो पूंजीगत संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। तो उपलब्ध संसाधनों का पूर्वानुमान लगा करके सर्वाधिक प्राथमिकता के आधार पर संसाधन को आवंटित करना और एक निश्चित समय में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो रणनीति तैयार की जाती है उसको ही हम लोग योजना कहते हैं। भारत के संविधान की अगर बात करें तो पहला बात तो ये कि योजना आयोग का भारत के संविधान में कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है, तो ये एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसका की स्थापना कैबिनेट के प्रस्ताव के द्वारा एक सलाहकारी संस्था के तौर पर 15 मार्च 1950 को किया गया था। आर्थिक नियोजन का जहां तक बात है तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, मतलब इस पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो योजना आयोग लिटरली क्या करती है कि योजना बनाने का काम करती है, उसकी रूपरेखा तैयार करती है, संसाधनों का अनुमान लगाती है, उसका अलॉटमेंट तय करती है और फिर एक निश्चित समय में उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कार्यक्रम तय करती है। इस टॉपिक में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो ऐसे हो सकते हैं जिस तरह के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें सबसे पहले हम सब जानते हैं कि 12 पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण भारत में नीति आयोग के गठन से पहले किया गया है। तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि ये जो 12 पंचवर्षीय योजना है इसका पीरियड कब से कब तक रहा। तो सबसे पहले ये कि आर्थिक नियोजन भारत में व्यवहारिक तौर पर तो 1 अप्रैल 1951 से शुरू किया गया और इसकी शुरुआत पूर्व सोवियत संघ के मॉडल पर आधारित थी और शुरुआती दिनों में भारत में जो योजनाएं बनाई गई उनकी प्रकृति आदेशात्मक होती थी, इंपेरेटिव होता था। इसका मतलब कि ये केंद्रीकृत व्यवस्था होती थी, केंद्रीकृत नियोजन व्यवस्था होती थी, लेकिन वक्त के साथ इसके स्वरूप में बदलाव आया। भारत में योजना का रूप हम ये भी जानते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप रहा है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों को साथ लेकर के चलने की प्रवृत्ति रही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो विचार है इसको प्रमुख ब्रिटिश अर्थशास्त्री J.M. किन्स ने दिया था। तो सबसे पहले आपको ये चीजें तो मैंने बता दिया जानबूझ करके, सो दैट कि इस तरह के क्वेश्चन आए तभी आप सॉल्व करने की स्थिति में हो। सबसे पहले आपको जो 12 पंचवर्षीय योजना है उसका पीरियड आपको याद करना है। तो मोटे तौर पर इतना बात हम सब जानते हैं कि 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुआ और ये 5 साल तक चलेगा और इसी तरीके से ऑर्डर में हम लोग 12 तक जाएंगे, लेकिन बीच में कुछ गैप भी है जब रेगुलर प्लानिंग नहीं हुई है। तो सबसे पहले हम लोगों को वो पीरियड दिमाग में रखना होगा सो दैट कि वो जो गैप आ रहा है पंचवर्षीय योजना के दौरान उस गैप को फुलफिल कर सके और हमको फिर पता हो कि पहली योजना का कार्यकाल क्या है, 7वीं का क्या है, 9वीं और 12वीं का क्या है, ये समझ में आ जाए। बेहतर ये होगा कि वीडियो देखने के साथ साथ आप इसको नोट करने का प्रवृत्ति डालें। कुछ अच्छी आदतें विद्यार्थी को निश्चित तौर पर डेवलप करनी चाहिए और उसमें एक सबसे अच्छी आदत हो सकती है लिखने का अभ्यास करना।
रिटेन प्रैक्टिस से क्या होगा कि चीज़ें आपको रिटेन करेंगी, और एग्जामिनेशन के दौरान जब बहुत तरह का प्रेशर होता है, दबाव होता है, उस वक्त अगर आपने अपने तरीके से कॉपी पर, अपने नोटबुक पर लिखने का काम किया है, तो एक आंसर जो होगा वो विजुअलाइज होगा, आपको ये दिमाग में आ गया, एक पिक्चर आया कि कौन सी बात आपने कहाँ लिखी थी, लेफ्ट पेज में लिखा था या राइट में लिखा था, टॉप में लिखा था, मिडिल में लिखा था या बॉटम में लिखा था। अगर आपको स्केचिंग करने का आदत है मेन पॉइंट्स को, तो वो कलर भी आपको रिफ्लेक्ट करेगा। तो ऐसी चीज़ें आपको आंसर कराने में सहायक होंगी, आप शायद इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखे भी होंगे। खैर, तो लिखने का आदत डालिए, बेहतर होगा कि आप अपने साथ कॉपी रख लें। जिन चीज़ों पर हम फोकस करने जा रहे हैं उसको फिर से एक बार दिमाग में रख लें, तो आपके लिए रटने वाली बात जो उस हद तक होती है वो नहीं होगी। तो हम बता रहे थे कि योजना का कार्यकाल, चूंकि पंचवर्षीय योजना नाम है, तो 5 अप्रैल मतलब 5 वर्षों का ये होगा, और भारत का जो वित्तीय वर्ष है, जो असेसमेंट ईयर है, जो फिनांशियल ईयर है, वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक जाता है। तो ये पूरा 5 साल का 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला पीरियड होगा। तो पहला 1 अप्रैल 1951 से अगला 5 साल 31 मार्च तक जाएगा। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसा हम आपको बता रहे थे कि इस पूरी अवधि में 3 बार विराम भी आया है, जब रेगुलर अपने यहाँ पंचवर्षीय योजना नहीं बना है। जैसे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 1966 से लेकर के 69 तक बीच में रेगुलर योजना नहीं बना, इसीलिए इसको प्लान हॉलीडे कहते हैं। तो तीसरी योजना के बाद जो चौथी योजना शुरू होगी वो 69 से शुरू होगी, 1 अप्रैल 69 से। तो ये बीच का 3 साल आपको बाहर कर देना है। इसके बाद फिर 1977 में सत्ता परिवर्तन हो जाता है, इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर होती हैं, कांग्रेस सरकार बाहर होती है और जनता पार्टी की सरकार आती है, जिसके बाद फिर 78 से लेकर के 80 तक योजना के अवधि में बदलाव होता है, और फिर यहाँ कोई रेगुलर योजना नहीं बनता है, बल्कि इस पीरियड में 78 से लेकर के 83 तक के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा आई थी। ये और बात है कि रोलिंग प्लान की अवधारणा 5 वर्षों के लिए थी, लेकिन 2 वर्षों के बाद ही सत्ता फिर से बदल गया और इंदिरा गांधी या कांग्रेस की सरकार पुनः सत्ता में आई। तो 80 तक ये रोलिंग प्लान रहा, 78 से 80 तक, और फिर से रेगुलर जो प्लानिंग था वो 5 सालों का वो शुरू हुआ। तो इससे क्या होगा कि आपको पीरियड याद करना आसान होगा, जो बीच का गैप है उसको बाहर कीजिए और अगला योजना फिर उसके साथ आप ऐड करते चलिए। इसी तरीके का तीसरा फेज आया 1990 में, 7वीं पंचवर्षीय योजना के समाप्ति के बाद। तत्काल 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो सकी थी, क्योंकि फिर सत्ता लगातार बदलता रहा, राजनीतिक तौर पर भारत में अस्थिरता की स्थिति रही। फिर 90 से 92 का गैप, इसको भी प्लान हॉलीडे के तौर पर देखा जाता है, लेकिन लिटरली जो 66 से 69 तक का जो पीरियड है, जो थर्ड 5 ईयर प्लान की असफलता के बाद आया था, वही प्लान हॉलीडे की श्रेणी में आता है। तो ये 3 गैप याद रखिए, 66 से 69, 78 से 80 और 90 से 92, और फिर इसी हिसाब से आप 5 साल जोड़ करके आप अपना आंसर कर सकते हैं। तो अगर पीरियड पूछेगा किसी पर्टिकुलर योजना का, तो आप इस तरीके से दिमाग में बैठा सकते हैं। इस अवधि के दौरान कई सारे काम हुए। तो पूछा जाता है कि फलाना कार्यक्रम किस योजना के दौरान आया, अगर आपको पता है कि वो फलाना कार्य किस साल हुआ है, तो आप इस प्रोसेस से, ये नहीं भी अगर आपको याद हो कि ये किस पंचवर्षीय योजना का था, तो उसके पीरियड के हिसाब से आप ये निकाल सकते हैं कि कौन से पंचवर्षीय योजना से ये जुड़ा हुआ था। तो पहला तो पीरियड। दूसरा जो योजना से प्रश्न पूछता है वो ये पूछता है कि किस योजना की कौन सी प्राथमिकता थी या किस मॉडल पर आधारित था। तो पहले हम लोग मॉडल का बात कर लें, मतलब जिस अर्थशास्त्री ने योजना का रूपरेखा तैयार किया वो उस मॉडल पर आधारित होता है। तो पहला पंचवर्षीय योजना आप सब जानते हैं कि हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इन चीजों को अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए, हैरोल्ड डोमर मॉडल, मतलब ये अर्थशास्त्री थे। दूसरा है पीसी महाल नोबिस मॉडल, पीसी महाल नोबिस के मॉडल पर आधारित था, जिसको कि नेहरू महाल नोबिस मॉडल भी कहा जाता है। तीसरा जो पंचवर्षीय योजना था ये था जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित। चौथी पंचवर्षीय योजना में अशोक रुद्र और जालान ये मॉडल अपनाया गया था, साथ ही गाडगिल फार्मूले को भी इस्तेमाल किया गया था। दूसरी योजना, जैसा कि मैंने बताया कि पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित था,
बाद की तारीख में तब तक जब तक कि नई आर्थिक नीति नहीं लागू की गई, दूसरी पंचवर्षीय योजना के मॉडल को ही लगातार मतलब पीसी महालनोबिस मॉडल के आधार को तैयार किया गया और उससे ही संबंधित योजनाएं बनाई गई, अन्य लोगों का भी योगदान होता रहा। इसी तरीके से जब पांचवी पंचवर्षीय योजना आई तो यहां भी चौथी पंचवर्षीय योजना का तो इंपैक्ट था ही, साथ ही साथ डीपी धर, पांचवी पंचवर्षीय योजना की हम बात कर रहे हैं, डीपी धर मॉडल का भी इस पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है। इसके बाद छठी और सातवीं, ये जो ऊपर के मॉडल थे जिसमें की पीसी महालनोबिस का मुख्य भूमिका था, कमोबेश उसी मॉडल पर आधारित रहा। तो सातवीं योजना तक भारत में आदेशात्मक मतलब केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था अपनाई गई, जिसमें केंद्र सरकार का जो नीति था वो प्रमुखता होता था, सरकार की भूमिका सशक्त होती थी, मजबूत होती थी। लेकिन वक्त के साथ बदलाव आया और आप सब जानते हैं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 24 जुलाई 1991, हालांकि ये 90 से 92 वाला फेज है जहां पर सरकार के विषय में बताया कि इनस्टेबिलिटी थी पॉलिटिकली, और इसी दौरान जब आठवीं योजना शुरू होता उसके पहले ही नई आर्थिक नीति लाई गई थी 24 जुलाई 1991 को। उसके बाद भारत में नियोजन की जो प्रकृति थी सो बदल गई और भारत में नियोजन की प्रकृति अब सांकेतिक या निर्देशात्मक या इंडिकेटिव हो गई, जहां सरकार की भूमिका कम और बाजार की भूमिका बढ़ने लगी। तो मुख्य रूप से सातवीं योजना तक ही किसी पर्टिकुलर योजना की बात होती है, उसके बाद बाजार आधारित अर्थव्यवस्था हो गया तो किसी पर्टिकुलर मॉडल को नहीं पूछा जाता है। तो पीरियड पूछा जाएगा, मॉडल पूछा जाएगा, जिसमें आपको मुख्य रूप से पांचवीं पंचवर्षीय योजना तक के मॉडल को याद रखना है और सातवीं तक कहीं ना कहीं पीसी महालनोबिस का असर रहा और उसके बाद हमारा जो योजना का स्वरूप है निर्देशात्मक हो गया। तो ये दो चीजें। तीसरा चीज है कि प्रायोरिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, 68th बीपीएससी जो हुआ लास्ट, वहां पर भी इससे संबंधित सवाल पूछे गए थे कि आठवीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी या एक प्राथमिकता दिया था किस योजना का हिस्सा था, हालांकि वहां पर आंसर था नॉन ऑब्वियस क्योंकि 8th 5-year plan के लिए आंसर करना था जो उसमें नहीं था। खैर ये आपको याद रखना होगा, जैसे पहली पंचवर्षीय योजना कृषि को प्राथमिकता दी गई, दूसरी में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई, तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्ति को प्राथमिकता दिया गया, चौथी में स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता को प्रायोरिटी दिया गया, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण मतलब पॉवर्टी एलिमिनेशन या इरेडिकेशन और साथ ही आत्मनिर्भरता, तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को, छठी में रोजगार सृजन को और गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता दी गई, सातवीं पंचवर्षीय योजना आधुनिकीकरण तीव्र विकास आत्मनिर्भरता और सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति से संबंधित था, आठवीं पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन का विकास और रोजगार सृजन से संबंधित था। उम्मीद है आप लोग इन चीजों को नोट कर रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आने का सबसे प्रमुख क्षेत्र है, यहां सबसे ज्यादा स्कोप होता है क्वेश्चन पूछने का। तो आठवीं बताया था मैंने कि मानव संसाधन का विकास और रोजगार सृजन, नौवीं का था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, और दसवीं का था ऊर्जा एवं सामाजिक क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी गई, ऊर्जा एवं सामाजिक क्षेत्र को, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब कि समावेशी विकास पर आधारित था, और जो बारहवीं योजना थी वो तीव्रता धारणीयता मतलब कि सस्टेनेबिलिटी और ज्यादा समावेशित विकास की अवधारणा पर आधारित थी। तो पीरियड हो गया, मॉडल हो गया, प्रायोरिटी हो गई, बीच में योजनाओं के दौरान जो काम किए गए हैं उन कार्यों को भी पूछता है। ऐसे सवालों के जवाब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए जो रखते हैं उसके माध्यम से हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि पिछले वीडियो में हम आप लोगों को उपलब्ध कराते रहे हैं, बताते रहे हैं। तो अगर हम लोग इन चीजों पर ध्यान दे लेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन आने का एरिया है वो कवर हो जाएगा और फिर मुझे नहीं लगता है कि सारा वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन छूटेगा। खैर, तो प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था योजना के निर्माण के लिए, मैंने शुरुआत में बताया था कि USSR के मॉडल पर यह आधारित था। सातवीं के बाद भारत में जब सांकेतिक नियोजन की शुरुआत हुई, निर्देशात्मक शुरू हुआ, तो ये निर्देशात्मक योजना जो था ये फ्रांस से लिया गया था,
इन चीजों को याद रखिए। और इसमें सरकार की भूमिका कम और बाजार की भूमिका अधिक होने लगी। जब योजना आयोग अपना काम करता था उस दौरान योजना आयोग के द्वारा जो योजना तैयार की जाती थी उसको अंतिम रूप से स्वीकृति देने का काम NDC करता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते थे, वैसे ही जैसे कि योजना आयोग के एक्स ऑफिसियो चेयरमैन PM होते थे। योजना आयोग का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं था क्योंकि सरकार के बदलने के साथ ही ये योजना भी बदल जाती थी। संख्या भी कोई निश्चित नहीं था, प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर होती थी। तो पंचवर्षीय योजना जो योजना तैयार करता था उसको अंतिम स्वीकृति देने का काम NDC या राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता था, जिसका कि गठन भी कैबिनेट के प्रस्ताव के द्वारा 6 अगस्त 1952 को किया गया था। और राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य काम यह था कि किस तरीके से योजना प्रक्रिया में राज्यों की भूमिका को सक्रिय बनाया जाए, उनकी भूमिका को बढ़ाया जाए। इस दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो था ये भारत में जो संघीय ढांचा है उसके काफी क्लोज नजर आता है। लोकतंत्र को मजबूत करने में योजना आयोग की तुलना में राष्ट्रीय विकास परिषद की भूमिका कहीं ज्यादा सशक्त नजर आती है। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए हम इन चीजों को कोट कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको। वक्त के साथ योजना आयोग की भूमिका पर सवाल उठाया जाने लगा क्योंकि परिस्थितियां बदलने लगी। 1950 में जो योजना बनाया गया था, शुरुआत में जो भारत में संरक्षणवादी नीति अपनाई गई थी, वैश्विक जगत में बदलाव के साथ धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं अपनी प्रासंगिकता को खोने लगे और ये बार बार आवाज उठाई जाने लगी कि योजना आयोग का तब जब बाजार आधारित अर्थव्यवस्था हो गया है, ऐसी स्थिति में योजना आयोग की क्या भूमिका है। इन्हीं परिस्थितियों में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग, जो कि एक थिंक टैंक है, इसका गठन किया गया। मतलब योजना आयोग को रिप्लेस किया गया और थिंक टैंक के तौर पर नीति आयोग सामने आया। नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक संस्था है जो कैबिनेट के प्रस्ताव के द्वारा ही निर्मित किया गया है। और नीति मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये सामने आया। ये जो नीति आयोग है ये बेसिकली संघवाद को, सहकारी संघवाद को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को कहीं मजबूती प्रदान करने का काम करता है। और नीति आयोग के रूपरेखा में गांधी जी के विचारों को अपनाया गया, अंबेडकर साहब की जो आर्थिक नीति थी, दीनदयाल उपाध्याय की जो सोच थी, विवेकानंद का जो सोच था, उन तमाम चीजों को शामिल किया गया। नीति आयोग के संदर्भ में दिसंबर 2014 में जब मुख्यमंत्रियों की एक मीटिंग बुलाई गई, उस समय भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली हुआ करते थे, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, जहां की राज्यों का या मुख्यमंत्रियों का कहना था कि नीति आयोग के सामने प्रत्येक वर्ष उनको हाथ फैलाना होता है फंड के लिए, और ऐसी स्थिति में राज्यों की जो भूमिका होती थी वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती थी, उनकी सक्रियता नहीं होती थी, और ऐसी स्थिति में केंद्र के द्वारा जो योजनाएं आमतौर पर थोपी जाती थी, राज्य उसको एग्जीक्यूट करने में, इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं कोताही बरतते थे। इन चीजों को दूर करके विकास की गति को तेजी प्रदान करना, तीव्रता लाना, यही उद्देश्य था, और इसीलिए नीति आयोग का गठन किया गया। ये माना गया कि देश का विकास राज्यों के माध्यम से ही संभव है और राज्यों का विकास तभी हो सकता है जब राज्य की भी उसमें सशक्त भूमिका हो। तो सहकारी संघवाद को मजबूती प्रदान करने के लिए, राज्यों की भूमिका को कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बनाने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे तो नरेंद्र मोदी थे, और पहले उपाध्यक्ष थे गुजरात मॉडल के जो विशेषज्ञ थे अरविंद पनगड़िया, उनकी उपाध्यक्षता में ये सारा काम शुरू हुआ। बाद में नीति आयोग के संदर्भ में हम और चीजें आपको क्वेश्चन के माध्यम से रखने का काम करेंगे। तो क्वेश्चन आने का एरिया यही है। वीडियो को हम दो पार्ट में बना रहे हैं। पार्ट वन में इतनी बातों को जो बताया कि इन चीजों को दिमाग में रखें, मैंने प्रायोरिटी बताया आपको, वो फार्मूला बताया किस तरीके से आप पीरियड याद रखेंगे उसको बताया, क्यों योजना आयोग को पीछे छोड़ा गया और नीति आयोग लाई गई, ये बातें बताए। अब हम आपको इस वीडियो में 15 क्वेश्चन अवेलेबल कराएंगे जो इन चीजों से संबंधित कैसे क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं उस चीज को बताने का काम करेंगे।
जरूरत के हिसाब से इससे जुड़े हुए अन्य पहलुओं को भी हम बताएंगे। अगर आप इन चीज़ों को नोट कर लेंगे तो पंचवर्षीय योजना से फिर क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगले वीडियो में हम और क्वेश्चन आपके लिए 25 से 30 क्वेश्चन और लेकर के आएंगे और उसके बाद आपको पंचवर्षीय योजना का कम से कम ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन निश्चित तौर पर देखना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन का ट्रेंड समझ में आ जाएगा आपको, इससे जुड़ी हुई अन्य जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और फिर से एक बार आपको हम कहें कि आप इसको नोट डाउन करने का आदत डालिए। कल की तारीख में जब आप भूलेंगे तो आप वीडियो निकाल के किसी का नहीं देखेंगे बल्कि अपनी कॉपी को निकालिए। कॉपी के विषय में बताया कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो एक आपको विजुअलाइज करता है, आपको रिटेन प्रैक्टिस होता है तो रिटेन करता है चीज़ें। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखिए। आज की तारीख में इतना सुनने के बाद आप 15 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और अगले वीडियो में हम आपको और भी क्वेश्चन और उसके साथ एक्सप्लेनेशन उपलब्ध कराएंगे, तभी आप क्वेश्चन देखने के लिए तैयार हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन को देखें 1934, 1938, 1939 और 1944। इसका सही उत्तर है 1938। यहाँ ये जान लें कि राष्ट्रीय नियोजन समिति के जो संस्थापक थे वो थे सुभाष चंद्र बोस, जबकि राष्ट्रीय नियोजन समिति की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं। ये पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इससे संबंधित जो और बातें बताएं उसको आप जरूर नोट कर लें। ऑप्शन ए को देखें, गुनार मिर्डल। गुनार मिर्डल का जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है एशियन ड्रामा, दूसरा है अगेंस्ट द स्ट्रीम और एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण पुस्तक है गुनार मिर्डल का, वो है द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी। चित्रा सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी, चित्रा सुब्रमण्यम का जो महत्वपूर्ण किताब है वो है इंडिया इज फॉर सेल, और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इंडिया इज फॉर सेल। इसके अलावा उन्होंने इंडियन रेलवे लिखा है और लिखा है द स्टोरी बिहाइंड द न्यूज, ये चित्रा सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, जबकि इस सवाल का सही उत्तर है V.S. मिन्हाज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। थर्ड क्वेश्चन, ये प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस योजना का मूल नाम है? मूल नाम एक साथ हो गया है, उसका ओरिजिनल नाम है किस योजना का? ऑप्शन देखिए, बॉम्बे प्लान, और बॉम्बे प्लान ही इसका सही उत्तर है। 1954 में 8 उद्योगपतियों के द्वारा बॉम्बे प्लान तैयार किया गया था, जिसका कि वास्तविक नाम था ये प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इस बॉम्बे प्लान में कृषि की अपेक्षा उद्योग को अधिक महत्व दिया गया था। तो आंसर ए है। बी को देखिए, गांधीवादी योजना, ये 1944 में श्री मन्ना रायन के द्वारा तैयार किया गया योजना था, जिसको कि गांधीवादी योजना कहते हैं। 10 वर्षों के लिए यह योजना मन्ना रायन के द्वारा तैयार की गई थी, ये सुझाव दिया गया था, और इसका उद्देश्य था न्यूनतम जीवन स्तर को उपलब्ध कराने का लक्ष्य। कृषि और उद्योग में संतुलन की बात गांधीवादी योजना में की गई थी। कोलंबो प्लान, ऑप्शन सी को देखें, ये जनवरी 1950 में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सामने आया था, और ये श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में इस संदर्भ में 26 देशों ने भाग लिया, और इनका उद्देश्य था कि सामूहिक प्रयास के द्वारा ही हम लोग दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया का विकास कर सकते हैं। तो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के विकास के लिए कोलंबो प्लान जो था ये 26 देशों ने शुरुआत में भाग लिया था और जनवरी 1950 में हुआ था। जबकि ऑप्शन डी को देखें, जन योजना, ये 1945 में लाया गया था और इस योजना को तैयार किया था M.N. रॉय ने, मानवेंद्रनाथ रॉय ने। ये योजना भी 10 वर्षीय योजना थी और इसमें बल दिया गया था सामूहिक या सहकारी कृषि पर, साथ ही भूमि के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश भी की गई थी, या जन योजना में भूमि के राष्ट्रीयकरण की बात की गई थी। साथ ही ये भी कहा गया था जन योजना में कि उपभोग के वस्तुओं के विकास पर बल दिया जाए। तो चारों ऑप्शन के संदर्भ में मैंने आपको जानकारी उपलब्ध करा दी है और इसका सही उत्तर बताया बॉम्बे प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस वर्ष नियोजन एवं विकास विभाग की स्थापना की गई? सही उत्तर है इसका, सीधा हम लोग उत्तर जानते हैं, 1944 में, और
बंबई प्लान के जो सदस्य थे आरदेसीर दलाल, उसको ही या उनको ही इसका कार्यकारी प्रमुख बनाया गया था। तो 1944 इसका सही उत्तर था, जब नियोजन एवं विकास विभाग की स्थापना की गई। नंबर 5, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? जाहिर सी बात है कि जब से योजना बनी उसके पहले उपाध्यक्ष भी होंगे और 12वीं योजना के भी उपाध्यक्ष होंगे। तो सबसे पहले सी को देखें, यह सही उत्तर है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया, जबकि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे ऑप्शन डी में जो गुलजारी लाल नंदा लिखा हुआ है। सो तो गुलजारी लाल नंदा पहले उपाध्यक्ष और मोंटेक सिंह अहलूवालिया अंतिम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। ये भी जान लें कि अभी तक जो 12 योजना बनी उसमें कुल मिलाकर के 23 उपाध्यक्ष रहे हैं और इन 23 उपाध्यक्षों में किसी भी महिला का नाम नहीं आता है, मतलब किसी भी महिला ने योजना आयोग का उपाध्यक्ष का पद ग्रहण नहीं किया है। तो इसका सही उत्तर है सी, मोंटेक सिंह अहलूवालिया वो आखिरी और गुलजारी लाल नंदा पहले उपाध्यक्ष। नंबर 6, भारत के किस राष्ट्रपति ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है? सीधा उत्तर जानते हैं और इसका सही उत्तर है प्रणव मुखर्जी। प्रणव मुखर्जी इस सवाल का सही उत्तर है, बाद में आप सब जानते हैं कि राष्ट्रपति बने, लेकिन ये पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। 24 जनवरी 1991 से 1996 का जो पीरियड था उसमें इन्होंने काम किया था। यहाँ पर एक चीज़ और जान लें कि भारत के कुछ प्रधानमंत्री भी योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं, उसमें नाम है गुलजारी लाल नंदा, पीबी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये 3 प्रधानमंत्री, गुलजारी लाल नंदा जो कार्यकारी प्रधानमंत्री के तौर पर शासन किए हैं, पीबी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, ये प्रधानमंत्री जिन्होंने उपाध्यक्ष के तौर पर योजना आयोग का काम किया है, और प्रणव मुखर्जी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। नंबर 7, किस वर्ष के पूर्व सिर्फ राज्यों के मुख्यमंत्री ही राष्ट्रीय विकास परिषद NDC के सदस्य हुआ करते थे? सही उत्तर जाने, सही उत्तर है 1967। तो 1967 से पहले सिर्फ राज्यों के मुख्यमंत्री ही NDC के सदस्य हुआ करते थे, लेकिन NDC के विषय में हम शुरुआत के वीडियो में ही बताए हैं कि 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया कैबिनेट के प्रस्ताव के द्वारा। प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं और योजना आयोग का सचिव ही इसका सचिव भी होता है। इसमें NDC में जब 67 के बाद से बाकी लोगों को जोड़ा गया तो इसके सदस्य हो गए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी संघीय मंत्री परिषद के मंत्री, केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक NDC के सदस्य होते हैं, योजना आयोग के सभी सदस्य भी NDC के सदस्य होते थे। चूंकि NDC आज भी एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए नीति आयोग के सभी सदस्य भी NDC के मेंबर हो जाएंगे। तो 1967 के बाद बाकी लोग जुड़े और उसके पहले सिर्फ मुख्यमंत्री थे। ये क्वेश्चन BPSC में कुछ वर्ष पहले पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दी थी? सीधा उत्तर जानते हैं और इसका सही उत्तर है K. Santhanam, ऑप्शन बी K. Santhanam, जबकि मदन मोहन पुंछी जो कि भारत के 29वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, ये केंद्र राज संबंध पर आधारित एक आयोग है और इस आयोग ने, मतलब मदन मोहन पुंछी आयोग ने सेंटर स्टेट रिलेशन पर जो गठित हुआ था, फिर दोहरा दें, इन्होंने NDC का नाम बदलकर नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल करने की सिफारिश दी थी, मतलब NDC के स्थान पर NEDC करने की बात इनके द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर है K. Santhanam, जिन्होंने NDC को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9, किसकी अध्यक्षता में 1946 में गठित समिति की सिफारिश पर भारत में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था? किसकी अध्यक्षता में 1946 में गठित समिति की सिफारिश पर भारत में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था? इसका सही उत्तर है KC Niyogi, मतलब ऑप्शन ए। और KC Pant जो हैं ये वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे।
तो खैर, 9 का सही उत्तर है ए, के सी नियोगी। के संतानम पंडित नेहरू के विषय में बहुत कुछ आप पहले के वीडियो में भी जान चुके हैं, और पंडित नेहरू को कौन नहीं जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में दूसरी औद्योगिक नीति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था? भारत में दूसरी औद्योगिक नीति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था? इसका सही उत्तर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। दूसरी औद्योगिक नीति जो थी यह 30 अप्रैल 1956 को लाया गया था, 30 अप्रैल 1956 को। और 1956 के 1 अप्रैल से आप सब जानते हैं कि सेकंड फाइव ईयर प्लान शुरू हुआ था। शुरुआत में मैंने आपको फाइव ईयर प्लान का कैसे याद रखे पीरियड ये बताया है, तो उसको दिमाग में रखिएगा। तो 30 अप्रैल 1956 को भारत की दूसरी औद्योगिक नीति लाई गई थी, जिसका उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य रखा गया था। मतलब कि समाजवादी समाज की स्थापना इसका लक्ष्य था दूसरी औद्योगिक नीति का। ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसे कि नेहरू महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। प्रायोरिटी भी इसका हम शुरुआत में बताए हैं, फिर से दोहरा दें कि आधारभूत उद्योग और भारी उद्योगों की स्थापना को प्राथमिकता दिया गया। पीसी महालनोबिस का जो जन्म दिवस है वो 29 जून है, और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिकल डे के रूप में मनाया जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात के 3 कारखाने लगाए गए थे, भिलाई में रूस के सहयोग से, राउरकेला में जर्मनी के सहयोग से, और दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहयोग से। इसके अलावा सेकंड फाइव ईयर प्लान का एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मैं फिर दोहराऊं कि इन चीजों को आप जरूर नोट कर लीजिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1960-61 में गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAP इंटेंसिव एरिया एग्रीकल्चर प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था। तो दूसरी औद्योगिक नीति 30 अप्रैल 1956, सेकेंड फाइव ईयर प्लान। यहाँ ये भी जान लें कि पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को, मतलब कि भारत में जब व्यवहारिक तौर पर योजनाएं शुरू नहीं हुई थी, पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हुई थी, तभी लाया गया था 6 अप्रैल 1948 को। और भारत के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा इसको लाया गया था। तो 10 का आंसर है सेकेंड फाइव ईयर प्लान, ऑप्शन बी, और उसके संदर्भ में भी कई सारी जानकारियां मैंने आपको उपलब्ध करा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किस वर्ष की गई? तो पहले तो क्वेश्चन में ही आपको पता है कि अखिल भारतीय खाद एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में किया गया। अब पूछता है कि किस वर्ष किया गया, तो इसका सही उत्तर है 1953। सही उत्तर है इसका 1953, 56 तक है, 51 से 56 तक। इसमें 1953 में अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई। 1951 का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि भारत ही नहीं बल्कि एशिया का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी में लगाया गया था, सिंदरी फर्टिलाइजर 1951 में। 1952 अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का स्थापना किया गया, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड। इसके अलावा सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी 1952 में शुरू हुआ था। और एक और चीज़ जो नोट कर लें आप, कि औद्योगिक विकास एवं नियमन, मतलब कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, 8 मई 1952 को ही आया था। तो बी के विषय में भी आप जान गए। 1955 को देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1955 ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति जिसके की अध्यक्ष थे गोरेवाला, जिसको कि गोरवाला समिति भी कहते हैं, इस गोरवाला समिति की सिफारिश पर ही इंपीरियल बैंक का नाम 1955 में SBI रखा गया था, और उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो SBI का गठन हुआ 1955 में, पहले ये इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, और इंपीरियल बैंक 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर के किया गया था। तो गोरेवाला समिति की सिफारिश पर इंपीरियल बैंक 1955 में राष्ट्रीयकृत बैंक बना और SBI की स्थापना हुई। इसके अलावा इसका ऑप्शन चूंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना से है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, जैसे हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम में, जो भारत में जलपोत बनाने का सबसे बड़ा केंद्र है,
इसके अलावा HMT हिंदुस्तान मशीन एंड टूल्स, ये बेंगलुरु में प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही स्थापित हुआ। नेपा नगर पेपर मिल, जहां अखबार का कागज बनता है, ये भी फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान ही हुआ। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, ये ऋषिकेश जो उत्तराखंड में, वहां एस्टेब्लिश किया गया। इसके अलावा पैराम्बूर जो तमिलनाडु में है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना भी की गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए गए, उसकी भी जानकारी और इन विभिन्न वर्षों के संदर्भ में भी मैंने आपको बताया। उम्मीद है आप नोट कर रहे होंगे, क्योंकि नोट करेंगे तो आपको कई सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। नंबर 12, कौन सी योजना जॉन सैंडी एवं एस चक्रवर्ती, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। सबसे पहले इसका सही उत्तर जान लें। सही उत्तर है डी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। तो जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा है कि दूसरी योजना के बाद से सातवीं तक सभी योजनाओं पर महालनोबिस मॉडल का प्रभाव था, तो इस पर भी इसका प्रभाव था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1964 में UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी स्थापना किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1965 में कांडला गुजरात में EPZ पहला EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एस्टेब्लिश किया गया था, जो न सिर्फ भारत का बल्कि एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। 1965 में तीसरी योजना के दौरान ही कांडला में एस्टेब्लिश किया गया। इसके अलावा 1965 में ही एम एल दांतेवाला की अध्यक्षता में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। कृषि मूल्य आयोग, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, जो 1985 से CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के रूप में जाना जाता है, जिसके द्वारा ही भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। हालांकि ये क्वेश्चन भी एग्रीकल्चर वाला जो हम आपसे आपके सामने जो वीडियो रखे थे उसमें हम बताए थे, आपको संभवतः याद होगा अगर आपने देखा है तो, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा। एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न वहाँ आपको मिल जाएंगे। खैर, तीसरी योजना के दौरान ही गहन कृषि क्षेत्र प्रोग्राम IAAP इंटेंसिव एरिया एग्रीकल्चर प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। इसके अलावा तीसरी पंचवर्षीय योजना आप सब भली भांति जानते हैं कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना USSR के सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की एक और विशेषता है, और वो ये कि भारत में जितनी भी योजनाएं बनाई गई उसमें सबसे असफल योजना तीसरी योजना को माना जाता है। ये अपने आप में क्वेश्चन है कि सबसे असफल योजना तीसरी योजना। कारण ये था कि 1962 में इसी योजना अवधि के दौरान चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ, और फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ। तो दो लड़ाइयां हम लोगों ने चीन और पाकिस्तान से इसी योजना के दौरान लड़ी, जिसके कारण से ये योजना असफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम योजना अवकाश फर्स्ट प्लान हॉलिडे की अवधि थी। सही उत्तर इसका 1966 से 69। दरअसल तीसरी पंचवर्षीय योजना में उम्मीद के मुताबिक जब रिजल्ट नहीं मिला तो चौथी योजना को तत्काल न शुरू करके इस दौरान तीन वार्षिक योजनाएं 1966, 67, 67, 68 और 68, 69 तैयार किया गया। चूंकि इस दौरान कोई रेगुलर योजना या रेगुलर प्लानिंग नहीं हुई थी, इसीलिए इसको प्लान हॉलिडे कहते हैं। तो चौथी योजना को रोका गया था, और तीसरी के बाद चौथी के बीच में ये प्लान हॉलिडे का पीरियड 1966 से 69 के बीच में है। इस अवधि में कुछ बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए जानने योग्य हैं। जैसे कि इसी प्लान हॉलिडे के दौरान 6 जून 1966 को भारत में रुपये का दूसरी बार अवमूल्यन किया गया था। पहली बार अवमूल्यन 1949 में हुआ था, दूसरी बार इसी अवधि में 6 जून 1966 को किया गया। इसी प्लान हॉलिडे के पीरियड में 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। हालांकि ये जान ले कि तीसरी योजना में ही हरित क्रांति की योजना तैयार कर ली गई थी, लेकिन ये प्रारंभ हुआ इस प्लान हॉलिडे के पीरियड में। ठीक है, तो प्रथम
योजनाओं का, लिटरली इसी को प्लान हॉलिडे कहा जाता है। इसके बाद हम आपको बताए थे कि 1990 और 92 के शुरुआत का वीडियो आप देखे होंगे जहां हम आपको ब्रीफिंग किए हैं। 90-92 के अवधि में भी रेगुलर योजना नहीं बना था, उस समय भी योजना अंतराल था, 7वीं योजना की समाप्ति और 8वीं जो रेगुलर योजना होती उसके बीच में। इस बीच मतलब कि 90 से 92 वाले फेज में अप्रैल 1990 में सिडबी SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। रुपये का तीसरी बार और अभी तक तीन बार ही अवमूल्यन हुआ है, इस बात को भी जान ले। 1949 पहली बार, 66 अभी बताया आपको दूसरी बार, और इस पीरियड में मतलब 90 से 92 वाला पीरियड जो हम आपको अभी बता रहे हैं तीसरी बार रुपये का अवमूल्यन किया गया। साथ ही साथ इसी 90 से 92 की अवधि में मतलब 7वीं योजना की समाप्ति और 8वीं योजना के शुरू होने के बीच में 24 जुलाई 1991 को भारत की नई आर्थिक नीति जिसको कि हम लोग LPG लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं वो प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और बीच में बताए थे कि 78 से लेकर 80 तक भी प्लान हॉलीडे के तौर पर जाना जाता है, हालांकि प्लान हॉलीडे मुख्य रूप से नाम दिया जाता है 66 से 69 जो इस सवाल का जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 14, किस समिति की सिफारिश पर चौथी पंचवर्षीय योजना में लीड बैंक योजना प्रारंभ की गई। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि लीड बैंक योजना किस योजना से संबंधित है तो आंसर आपके सामने है 4th 5-year plan। लीड बैंक क्या होता है यह भी जान लें। लीड बैंक का मतलब हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जो संबंधित जिला होगा वहाँ का जो प्रमुख बैंक होगा उसको योजना बनाने और संसाधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो लीड बैंक योजना प्रारंभ की गई थी नरीमन समिति की सिफारिश पर जो कि ऑप्शन सी में है। नरसिंहम समिति आपको पता होगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नरसिंहम समिति की सिफारिश पर की गई। राजा चेलैया ये टैक्स से संबंधित है, केलकर समिति भी टैक्स से ही संबंधित है, करारोपण से संबंधित है। और इसमें 15वां और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं और बाकी फिर क्वेश्चन हम इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इन चीज़ों को नोट करने में आपको थोड़ा वक्त भी लगेगा, फिर बोरिंग हो जाएगा। इसलिए अगला वीडियो में आप बाकी क्वेश्चन देखिएगा, फिलहाल इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखिए। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी मुद्रा के अवैध कारोबार को रोकने के लिए फेरा का मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट किस योजना के दौरान पारित किया गया था? तो पहले ये जान ले कि जो फेरा कानून है ये 1973 में आया था। तो 1973 अगर पता है तो आप फिर निकाल सकते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना का यह हिस्सा होगा। शुरुआत में हम आपको बताएं कि कैसे इसको आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। खैर, इसका सही उत्तर है चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब चूंकि इसका उत्तर है चौथी पंचवर्षीय योजना तो चौथी पंचवर्षीय योजना के विषय में भी थोड़ी सी जानकारी हम लोग फिर से एक बार याद कर लें। अशोक रुद्र और जालान मॉडल पर आधारित था, साथ ही गाडगिल फार्मूला का भी इसमें प्रभाव था। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता मैंने बताया था आपको कि इस योजना की प्रायोरिटी थी। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ था और ये था कि 14 जुलाई या 19 जुलाई हमको डेट याद नहीं आ रहा है बट जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जून 1969 में चौथी योजना के दौरान ही MRTP मतलब मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट पारित किया गया था। एक और बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1972-73 में भारत में पहली बार बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में रहा था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भारत का भुगतान संतुलन पहली बार 72-73 में भारत के पक्ष में रहा जो कि 4th 5-year plan के दौरान हुआ था। इसके अलावा चौथी पंचवर्षीय योजना में ही GIC जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का गठन हुआ 1972 में या उसका राष्ट्रीयकरण हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना आंशिक रूप से पार्शियली ये असफल थी क्योंकि इस योजना अवधि के दौरान भी कई सारे कार्य ऐसे हो गए जैसे कि मॉनसून की खराब स्थिति चौथी पंचवर्षीय योजना की एक विशेषता है। 1971 इसी योजना अवधि में आएगा जहां हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा था
और बांग्लादेश को आजाद कराया था, और युद्ध के काल में ही बांग्लादेशी शरणार्थियों का भारत में भारी मात्रा में आगमन हुआ था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना खराब मानसून, पाकिस्तान से युद्ध और बांग्लादेशी शरणार्थियों के आगमन के कारण असफल हो गया था आंशिक तौर पे। तो ये 15 क्वेश्चन जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, शुरुआत का वीडियो जो मैंने आपको ब्रीफिंग किया है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न कई सारे ऐसे हैं जो पूछे जा चुके हैं, विभिन्न योजनाओं से संबंधित कई सारी अन्य जानकारियां भी मैंने आपको उपलब्ध कराई है। अगले वीडियो में आप बाकी क्वेश्चन देखें और इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।